हेलो फ्रेंड, तो आज के स्पीड में जानेंगे कि आखिर टिकटॉक ऐप से पैसा कैसे कमाते हैं, टिकटॉक ऐप से पैसा कमाने के कौन कौन से तरीके आते हैं, और टिकटॉक ऐप से जो आप लोग पैसा कमाते हो उन पैसा को किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए और पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को शॉर्ट वीडियो ऐप से रिलेटेड काफी सारे नॉलेज एंड टेस्ट वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चले देने करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधे अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड, तो आज के मोबाइल फोन के स्क्रीन पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल फोन में टिकटॉक ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो टिकटॉक ऐप वीडियो का वॉइस थोड़ा कम कर देता हूँ, जिससे हमारी आज के लोगों को क्लियर और साफ नहीं देगा। अब चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोगों को टिकटॉक ऐप का पेमेंट प्रूफ बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप लोग टिकटॉक ऐप से किन किन तरीके से पैसा अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले पेमेंट प्रूफ देखने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो अर्न का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली हम लोग अर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और आप सबके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप लोग टिकटॉक ऐप से कॉइन अर्न करते हो वो आप लोगों को कॉइन देखने को मिलेगा, और इसके बराबर जो पैसा होता है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग देखेंगे। अभी मैंने करंट जो अर्न किया हुआ है 291.38 रुपये मैंने अर्न किया हुआ है, जो कि आप लोग लाइव प्रूफ देख पाओगे। पर अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट प्रूफ बताऊंगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा देर प्रोसेस लेगा, जब तक प्रोसेस ले रहा तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए और पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे सामने रिकॉर्ड का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली हम लोग रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और आप सबके सामने विड्रॉल रिकॉर्ड का कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप लोग देख पाओगे। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि भाई जब भी हम लोग पेमेंट अपने लगाते हैं तो हमारा पेमेंट जो है फेल हो जाता है, सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में नहीं जा पाता है। तो आप लोग को यहाँ पे एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना है, जिससे कि आप लोग अपने पैसा को अपने बैंक अकाउंट में इजीली ले सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे देख सो कि 100 रुपये यहाँ पे अपने विड्रॉ लगाया हुआ था, जो कि यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा पेमेंट जो है हमारे बैंक अकाउंट में चला गया था, पेटीएम में चला गया था। उसी की तरह में जब मैंने यहाँ पे 175 रुपये का पेमेंट लगाया हुआ था तो ये फेल हो गया, फिर से मैंने यहाँ पे 490 का लगा तो फिर से फेल हो गया, और यहाँ पे फिर से मैंने 175 का लगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा जो पेमेंट है हमारे बैंक अकाउंट में चला गया। उसी तरीके से जब मैंने 490 रुपये का फिर से पेमेंट लगा तो फेल हो गया, फिर से 280 का लगा तो फिर से फेल हो गया, और उसी की तरह में आप लोग देखेंगे फिर से 175 का लगाया वो भी फेल हो गया, और जैसे मैंने 490 रुपये का पेमेंट लगा तो ये पर देखेंगे कि सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में हमारे पैसों को भेज दिया गया है, जो कि आप लोग लाइव प्रूफ स्क्रीन पे देख पाएंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल फोन में पेटीएम को ओपन कर लेता हूँ। जब तक पेटीएम को ओपन कर रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो ऐप से रिलेटेड और अर्निंग से रिलेटेड काफी सारे नॉलेज एंड टेस्ट वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बैलेंस एंड हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और आप सबके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे सामने है पेटीएम बैलेंस, सिंपली हम लोग पेटीएम बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि पेटीएम बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं पेटीएम वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप लोग वहां से पैसा विड्रॉल करते हो उसमें से 13% आपका टैक्स कट जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो हमारे पास जो पैसा आया हुआ है 428.26 रुपये आए हुए हैं, और यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो कि ये पैसा हमें कहाँ से रिसीव हुआ है, टिक ऐप की तरफ से ये हमारे पास पैसा हुआ है, जो कि आप लोग लाइव प्रूफ देख पाओगे। बैक आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 152 रुपये का मैंने विड्रॉ लगाया हुआ था, जो कि आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो कि ये भी टिक ऐप की तरफ से है। देख पाओगे कि टिकटॉक ऐप से जो भी हम लोग पैसा विड्रॉल करते हैं वो हमारे पेटीएम वॉलेट में आसानी से पहुंच जाता है, जो कि आप लोग लाइव प्रूफ पेमेंट प्रूफ आप लोग यहाँ पर देख ही पाओगे। अब यहाँ पे ये बात आती है कि आखिर आप लोग टिकटॉक ऐप से जो पैसा कमाते हो उन पैसा को आप अपने बैंक अकाउंट में भेजने के लिए कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा
और कैसे आप लोग अपने पैसा को विड्रॉल करोगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर चला हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको अपने पेमेंट लेने के लिए कई सारे आप लोगों को मेथड देखने को मिलेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी मेथड अभी कमिंग सून में है। सिर्फ आप लोग अपने पैसा को पेटीएम में ही ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, पेटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि लोग पेटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और आप सबके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो भी आप लोग का यहाँ पे पैसा है वही पैक आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखेंगे तो हमारे सामने विड्रॉल का ऑप्शन आता है। विड्रॉल का सिंपली हम लोग विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे कि विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप सबके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स फिल करना है वो अच्छे तरीके से डिटेल फिल करना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने गलत डिटेल फिल किया तो आपका पैसा आपका बैंक अकाउंट में नहीं जा पाता है और फेल्ड होकर फिर से आपके वॉलेट में चलाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा बेनिफिशरी। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपके पेटीएम में जिस तरीके से नाम लिखा हुआ है वही नाम आप लोग को यहाँ पे फिल करना होता है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना नाम जो है फिल कर देता हूँ। आपको भी अपना नाम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलता है ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल एड्रेस देना पड़ता है, पर काफी सारे लोग करते क्या कि यहाँ पे गलत ईमेल एड्रेस दे देते हैं। जो आपके पेटीएम ईमेल एड्रेस है वही ईमेल एड्रेस आप लोग को यहाँ पे भी फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस जो है फिल। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे सामने लिख क्या रहा है, सक्सेस ईमेल इज अवेलेबल यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब हमें करना क्या होगा, कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका पेटीएम का जो है आप लोगों का नंबर देखने को मिलेगा और इस नंबर को आप लोगों को अच्छे तरीके से एक बार मैच कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग गलत पेटीएम नंबर दोगे तो गलत आईडी पे आपका पैसा चला जाएगा और आपको रिसीव नहीं हो पाएगा। तो आपको एक बार अपने नंबर को सेव कर लेना, अच्छे तरीके से मिला लेना है और सही होता है तो कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो सक्सेसफुली जो है यहाँ पे लिख के आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आइकनों वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो आपका पैसा यहाँ से कट चुका है और आपको यहाँ पर रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये चेक कर पाओगे कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में गया हुआ है नहीं। जैसे आपका पेमेंट आपके पास चला जाएगा उसके बाद इस तरीके से पेमेंट सक्सेस यहाँ पे लिख किया जाएगा और आपके पैसा आपको पेटीएम में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग टिकशॉट ऐप से अपने पैसा को विड्रॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बात आती है कि आखिर आप लोग टिकशॉट ऐप से पैसा किन किन तरीके से अर्न कर सकते हो, चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देखेंगे आप लोग को नीचे की तरफ में यहाँ पे होम का आइकन नजर आता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अगर आप लोग वीडियोस वॉच करते हो तो आप लोग देखेंगे ऊपर के तरफ में यहाँ पे कुछ अलग प्रकार का एक जो टाइमिंग चलते रहता है। इस टाइमिंग को जैसे कंप्लीट होगा तो आप लोगों को कुछ ना कुछ कॉइन मिल जाएंगे और वो कॉइन आप लोग का ऑटोमेटिक आपके पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को बक्स देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे 30 मिनट 40 मिनट तक टाइम बिताते हो तो आप लोगों को 5 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक मिलने की संभावना है अगर आप लोग यहाँ पे 30 मिनट 40 मिनट तक टाइम बिताते हो। तो यहाँ पे टिकशॉट ऐप से पैसे कमाने का ये आपको दो तरीका मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं टिकशॉट ऐप से और भी पैसा कमाने के बारे में। तो उसके लिए हम लोग अर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा चेक इन का ऑप्शन, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे लोग इस पे क्लिक करोगे ये थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और आप लोग टिकशॉट ऐप पे डेली चेकिंग टास्क कंप्लीट करके भी आप लोग यहाँ से अर्न कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, जो कि आप लोग लैपटॉप स्क्रीन पे देख पाओगे। जिस तरीके से आप लोग डेली चेकिंग टास्क कंप्लीट करते जाओगे आप लोगों को कुछ ना कुछ कॉइन मिलते चले जाएंगे जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही पाओगे। अभी मेरे को यहाँ पे 1,000 कॉइन जो है मिल चुका है। अब चलिए और भी टिकशॉट ऐप से पैसा कमाने के तरीके जान लेते हैं। उसके लिए आप लोगों को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को काफी सारा ऐप देखने को मिलेगा जिन्हें आप लोग इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, तो आप लोगों को 1,00,000, 7,00,000, 12,00,000, 25,25,00,000, 1,1,000,000 पॉइंट मिलेंगे और वो जो आप लोगों का पॉइंट है वो पैसा में ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा जो कि आप लोग लैपटॉप स्क्रीन पे देख ही पाओगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे प्लस का आइकन नजर आएगा जिसपे क्लिक करके आप यहाँ से वीडियोज क्रिएट कर सकते हो और उन वीडियो के माध्यम से भी आप लोग पैसा अर्न कर सकते हो। कैसे आपको आगे जाने को मिलेगा, वीडियो में बने रहना। नीचे देखेंगे तो आप लोग को इन्वाइट का ऑप्शन आएगा, इनवाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि लोग इनवाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा।
जहाँ पे भी अगर आप लोग सिंपली व्हाट्सएप पे लिंक को शेयर करते हो तो आप लोगों को 1000 क्वाड मिलेंगे जो कि आप लोग लैपटॉप देख पाओगे। साथ ही अगर देखेंगे तो आप रैंकिंग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ से भी अपने फ्रेंड को इन्वाइट करते हो तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे इनकम हो जाएंगे जो कि आप लोग लैपटॉप स्क्रीन पर देख पाओगे। उसके बाद देखेंगे तो आप लोगों का प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि लोग प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉन्टेंट प्रोग्राम। इसमें क्लिक करके आप लोग जो भी कंटेंट अपलोड करते हो उसके बेसिस पे कैसे पैसे मिलेगा जो कि आप लोग को यहाँ पर दिया गया, आप लोग इसे पढ़ सकते हो एंड इस पे आप लोग वीडियोस क्रिएट करके अपलोड करके काफ़ी अच्छा इनकम कर सकते हो। तो टिकटॉक ऐप से पैसे कमाने का यही तरीका आ जाता है और इन्हीं तरीके से आप लोग टिकटॉक ऐप से पैसा कमा सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए और पहली बार हो तो सब्सक्राइब लेना। अगर आपको मन में अभी भी कोई सवाल डाउट रह गए हो तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के वीडियो पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग नॉलेज वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।